विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। विषय हिंदी धोरण 5 आज नवो पाठ है। पाठ 4 सोच अपनी अपनी। सोच એટલે વિચારવાનું, આપણે આપણી જાતે વિચારવાનું, આપણી સોચ એટલે આપણી આપણો વિચાર। એમાં હું તમને પ્રશ્નના ઉત્તર 1 વાક્યમાં અને પ્રશ્નના ઉત્તર 3 વાક્યમાં, તે પહેલા હું તમને પાઠ સમજાવું છું। એ પાઠ તમારે બરાબર સમજવાનો છે અને પછી આના પ્રશ્નોના જવાબના હું ફોટો મોકલીશ, એને તમારે સવાલ જવાબ નોટમાં લખવાના છે। इस पाठ में हमारी सोचन के शक्ति के परिचय मिलता है। अलग अलग चित्रों में से माध्यम से अपनी वैचारिक शक्तियों को विस्तार करने का अवसर मिलता है। अलग अलग विषयों पर हमारी सोच बनती है। एक दूसरे को चर्चा करते हमारा ज्ञान बढ़ता है। किसी विषय पर पढ़ने लिखने और बोलने का हमारा आत्मा विश्वास बढ़ता है। इसी प्रयोजन के रखा गया है पाठ। चित्र वर्णन हमारे लिए बेहद जरूरी है। सभी के व्यक्तित्व विकास में भी कायदेमंद साबित होता है। अगर ये तमने हिंदी में चित्र आप चित्र ऊपर तमारे पाछु वार्ता लखवानी छे के ए चित्र छे। चित्र ऊपर आपणे લખવાનું છે આપણી સોચ, એટલે આપણે વિચારી લખવાનું કે શું છે। હવે અહીંયા પહાડ, પક્ષી, મંદિર, સૂરજ, ચરવાહા, ગાય, ભેંસ, કિસાન, ફૂલછોડ, તિતલિયા, બચ્ચે, નારિયેળ કે પેડ, એ સબ ચિત્ર મેં દિયે હે, તો મેં આપકા ચિત્ર ભેજુંગી ઓર આપકો લિખને કા હે। એક ગાંવ કા ચિત્ર હે। ચિત્ર મેં સુબહ કા વક્ત બતાય ગયા હે। सुबह में सूरज निकला हुआ है। कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहा है। चरवाहा अपने पशुओं को चराने निकल रहा है। किसान हाथ में डंडे लिए खेत की ओर जा रहा है। गांव पहाड़ियों के बीच में बसा है। चित्र में नारियल का 2 पेड़ है। बच्चों बगीचे में खेल रहे हैं। एक तितलिया को पेड़ की पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से चरवाहा सोच रहा है कि ईश्वर ने प्रकृति कितनी सुंदर बनाई है। एक किसान ये चरवाहा सोच रहा है कि प्रकृति कुदरत ने ये प्रकृति कितनी अच्छी बनाई है। तो मैं अब आपको चित्र भेजता हूँ। उस प्रश्नों के उत्तर के वो लिखना है आपको।